हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे। जब हम इतिहास के पन्नों को खंगालते हैं तब हमें कई अद्भुत जानकारियों के बारे में पता चलता है। हमेशा से इतिहास इंसानों के लिए रोचक और ज्ञानवर्धक रहा है। खैर, आज भी हम इतिहास के पन्नों को खंगालने जा रहे हैं, परंतु आज हम कुछ अलग ही तरह के इतिहास के बारे में जानेंगे। आज हम बात करेंगे डायनासोर की। प्राचीन के समय में आखिर डायनासोर कहाँ रहा करते थे, कहाँ से आए थे ये दैत्य आकार के जानवर और इस प्रजाति का अंत कैसे हुआ, आज की वीडियो बहुत ही विशेष होने वाली है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। डायनासोर, जिनको हम जुरासिक पार्क जैसी फिल्मों में देखते आए हैं, आज हम आपको डायनासोर से जुड़ी हर एक छोटी बात बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इस जीव के बारे में हर कोई जानना पसंद करेगा। तो आइए शुरू करते हैं। डायनासोर किसे कहते हैं? बहुत ही सरल भाषा में कहें तो वह एक किस्म के रेप्टाइल थे जो आज से लगभग 14 करोड़ साल पहले धरती पर राज किया करते थे। आज के समय में भी हम पृथ्वी पर कई प्रकार के रेप्टाइल देखते हैं जो शायद इन्हीं डायनासोर की प्रजाति से विकसित होकर आए हैं। वैसे डायनासोर कई आकार और आकृति के पाए जाते थे। इनमें से कुछ विशालकाय व भयंकर आकार के थे और कुछ छोटे होते थे। उस समय जितने भी डायनासोर पाए जाते थे ज़्यादातर हिंसक और विशालकाय थे, जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या आप जानते हैं कि आखिर डायनासोर कहाँ से आए थे? आज तक जो भी जीव इस धरती पर आए हैं उन सभी जीवों में डायनासोर एक काफ़ी ज़्यादा सफल जीव माना जाता है। मुर्गी जितने छोटे आकार से लेकर दुनिया पर अब तक चलने वाले सबसे विशाल जानवर के आकार तक ये हर एक आकार में अपना वर्चस्व कायम रखे हुए थे। आखिर कैसे हुआ डायनासोर का अंत? ऐसा क्या हुआ कि डायनासोर का नामोनिशान ही मिट गया? तो चलिए चलते हैं लगभग 23 करोड़ साल पहले डायनासोर की दर्दनाक मौत का कारण जानने के लिए। जुपिटर और मार्स के सेंटर में कई सारे एस्ट्रोराइड एक ही दिशा में घूम रहे थे। तभी एक एस्ट्रोराइड दानव बनकर अलग दिशा से आने लगा। वह कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था, परंतु वह एक एस्ट्रोराइड हमारे जन्म का कारण बन गया। सबसे अलग चलने वाला एस्ट्रोराइड सबसे बड़े एस्ट्रोराइड से जा टकराया और डायनासोर के अंत की उल्टी गिनती शुरू हो गई। इस टकराव के बाद उस एक एस्ट्रोराइड के कई हजार टुकड़े हो गए। डायनासोर की किस्मत इतनी खराब थी कि उन सारे हजार टुकड़ों में से सबसे बड़ा टुकड़ा धरती की तरफ बढ़ने लगा। उनकी आखिरी उम्मीद चांद से भी वह एस्ट्रोराइड बच निकला। चांद से गुजरने के बाद वह धरती के गुरुत्वाकर्षण फोर्स में आ गया और उस एस्ट्रोराइड की रफ्तार 4 गुना बढ़ गई। वह एस्ट्रोराइड 65 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अर्थ की तरफ बढ़ रहा था और जैसे ही वह घर्षण के संपर्क में आया वह एक आग के गोले में तब्दील हो गया। इस आग के गोले की रोशनी इतनी बढ़ गई जो भी जीव उस आग के गोले को देखता वह अंधा हो जाता। जैसे जैसे ये गोला पृथ्वी के पास आता गया इसका टेम्परेचर 20,000 डिग्री तक हो गया। आप कल्पना भी नहीं कर सकते जिस सूर्य की गर्मी सिर्फ 5,000 डिग्री तक होती है यह गोला तो उसके 4 गुना में भी नहीं आता। और ये क्या, ये तो पृथ्वी से टकरा भी गया। उसके टकराने की वजह से 100 करोड़ टन धरती का मेटल, डस्ट और स्टोन्स अंतरिक्ष में चले गए। धरती में एक 180 मीटर चौड़ा और 200 किलोमीटर अंदर एक गहरा गड्ढा हो गया। 16 मिनट 40 सेकेंड के बाद धरती के अंदर कई सारी तरंगे उठने लगी जिसकी वजह से सुनामी आने लगी और ज्वालामुखी फटने लगे। इन सब चीज़ों के कारण आधे डायनासोर तो मर ही गए थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे उड़ने वाले डायनासोर्स का क्या हुआ? तो आपको याद है थोड़ी देर पहले कई टन मेटल जो अंतरिक्ष में गया था वह ठीक 40 मिनट बाद गुरुत्वाकर्षण फोर्स के कारण आग के छोटे गोले के रूप में धरती पर तबाही मचाने लगा, मानो जैसे आग की बारिश हो रही हो, जिसके कारण उड़ने वाले कई डायनासोर्स का भी अंत हो गया। परंतु
डायनासोर की संख्या इतनी अधिक थी कि अभी भी कई ताकतवर और विशाल डायनासोर बच गए थे। थोड़ी देर के उपरांत एक तरफ से धूल का एक बहुत विशाल बादल 6000 प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा था। इस धूल के बादल ने पूरी धरती को मानो ढक सा लिया था, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचनी बंद हो गई थी। कई पेड़ पौधे पहले ही नष्ट हो चुके थे, अब बचे हुए थे वह सूरज की रोशनी ना मिलने के कारण खत्म हो गए। और जो बचे हुए डायनासोर थे वह तो पेड़ पौधे पर ही निर्भर थे। अब जब पेड़ पौधे ही नष्ट हो गए तो डायनासोर भूख की वजह से मरने लगे। फिर एक ऐसा समय आया जब सारे डायनासोर का नामुनशान ही मिट गया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिला कि नेचर के सामने डायनासोर का भी कोई वश नहीं चला तो इंसान क्या चीज है। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो से डायनासोर के बारे में काफी कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं शीघ्र ही नई वीडियो के साथ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।